हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इतनी स्पेशल है और इतनी इजी है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे कि ये इतनी कमाल की रेमेडी और इतनी ईजी, जो कि फौरी तौर पर आपको रिजल्ट देने वाली है। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, गर्मी स्टार्ट होते ही और गर्मियों में उनका कलर जो है डल पड़ जाता है और उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सो गाइस, आपने इस गर्मियों में परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इतनी कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ। जस्ट आपने फेस वॉश में कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि फेस वॉश तो आप डेली में यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वही आपको करना है। जो भी आपके घर में यूज़ हो रहा है, जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, आप उसी फेस वॉश से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ 5 मिनट का काम है और इतना फेस वाइट हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। सो गाइस, चले भी टाइम जाए कि अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो काइंडली आपको ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करने में देर ना किया करें। तो जी, रेमेडी बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो चीज़ें आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले जी, मैं आपको बता दूँ, आपकी एज कोई सी भी है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके फेस पर पिंपल हैं, पिंपल खत्म हो जाएंगे, एक्नी है, एक्नी रिमूव हो जाएगी। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स बन जाते हैं तो भी खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपकी एज कोई सी है या बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, आप इसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सो गाइस, चले फिर बिना टाइम से आके वगैरह रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। और जी, आपने रेमेडी बनाने का तरीका और यूज़ करने का तरीका लाइव रिजल्ट देख के जाना। मज़े की बात यही है कि इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली थी, इसलिए जी आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चले फिर बिना टाइम से आके वगैरह शुरू करते हैं। इस रेमेडी को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बाउल, कोई सा भी ले लें, शीशा या प्लास्टिक का एक बाउल ले लें। उसके बाद जी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेयर एंड लवली का फेस वॉश, ठीक है, ये देख लें, फेयर एंड लवली का फेस वॉश। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लेना है जो कि आम आपके घर में यूज़ हो रहा है, आपने वही फेस वॉश लेना है। और सिर्फ इतना लेना है कि जितना आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो जी, ये देखें, मैंने इतना सा ले लिया है, सिर्फ इतना लीजिएगा कि जितना आप यूज़ कर सकें, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ, आप चाहे तो एक बार सारा फेस वॉश लेके इसको मिक्स करके रख भी सकते हैं और डेली इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपके फेस पे जो ग्लो आएगा ना, बहुत ज़बरदस्त ग्लो आएगा। उसके बाद जी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। आपको भी फेयर एंड लवली क्रीम ही लेनी है, या फिर इसकी जगह आप तिब्बत ले सकते हैं। फेयर एंड लवली लेनी है या फिर तिब्बत, ठीक है, और कोई क्रीम आपको नहीं लेनी। वो भी सिर्फ आपने इतनी लेनी कि जितनी हम एक टाइम में अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी, आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो जेल है, इससे एक तो फेस पे ग्लो आता है, दूसरा ये हमारी स्किन को बहुत स्मूथ करता है, और उसके बाद जी हमारे फेस को वाइट करता है। जैसे कि गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों में ये एलोवेरा जेल जो है बहुत अच्छा काम करती है। इस वजह से जी, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे आपकी स्किन सारा दिन ग्लो करती रहेगी। तो एलोवेरा जेल तकरीबन आपने हाफ चम्मच इसमें डाल देनी है। उसके बाद जी, हमें यहाँ पे चाहिए जो कि मेन चीज़ है, जिसका सारा एक कमाल है, बहुत ज़बरदस्त, विटामिन ई का वाइट कैप्सूल। ये आप देख सकते हैं, विटामिन ई का वाइट कलर का कैप्सूल है। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा, ध्यान से देख लें, विटामिन ई का वाइट कलर का, ठीक है, ये वाइट वाला है, यही आपको लेना है। ग्लोइंग भी होता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं, लेकिन आपने वाइट वाला लेना है। तकरीबन ये आपको 10 रुपीज़ का मिल जाएगा और आपने ये एक आदत ले लेना है। ये बहुत तेज़ी से आपकी स्किन को वाइट करेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग बार बार एक ही फैक्सिंग करते हैं कि आपकी इनका साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन इनका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो इसका लिक्विड है वो एक आदत आपने इसमें ऐड कर देना है, इससे बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने ये कैप्सूल जो है बिल्कुल स्किप करना नहीं है, क्योंकि इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ही वाइट होने वाला है। तो जी, मज़े की बात कि इस वीडियो में मैं आपको लाइव रिजल्ट करके दिखाऊंगी, इसलिए जी आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को छोड़ना नहीं। उसके बाद ये जो लास्ट चीज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो है रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब का अरग, बहुत ही ज़बरदस्त, हाफ चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। जो गुलाब का अरग है, इसका वैसे भी हमें फेस पे स्प्रे करना चाहिए, डेली करना चाहिए। इससे एक तो हमारा फेस जो है वाइट होता है, दूसरा इससे हमारे फेस पे बहुत प्यारा ग्लो आता है।
पिंपल्स नहीं बनते, हमारी स्किन इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है, पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त स्किन रहती है। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त ये फेस वॉश जो हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो एक बार में ही सारा फेस वॉश लेके उसी हिसाब से ज़्यादा मिकदार करके आप इसको बना कर रख सकते हैं। इसको आप चाहे तो जितने डेज मर्जी इसको स्टोर कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स और ऑल टाइप स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी स्किन सर्दियों में ऑयली रहती है और गर्मियों में ड्राई रहती है, और कुछ लोग हैं जिनकी गर्मियों में स्किन ऑयली रहती है और सर्दियों में ड्राई रहती है। तो आप इसका यूज़ करके अपनी स्किन को, आपका जो ऑयल है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे कि आप भी हमारे फेस पे ब्लैक हेयर्स हैं उसको हम कैसे रिमूव करें। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करके अपने फेस के ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं, पिंपल्स को, डार्क स्पॉट्स को एंड स्याहियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी स्किन को फ्रेश एंड स्मूथ बना सकते हैं। तो इससे ओपन पोर्स भी क्लोज हो जाएंगे। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव करके, रिजल्ट आपने देख के जाना है और आपने इसका तरीकाकार जो है वो भी अच्छी तरह से समझ लेना। तो सो गाइस, अब मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक रिजल्ट देख के जाइएगा। तो जी जो रेमडी बनाई थी यहाँ पे मेरे हैंड में है, उसके बाद जी आपने सिंपली फिंगर की मदद से, जैसे कि आमतौर पे हम फेस वॉश करते हैं, ठीक है, आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। जैसे आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लें तो आपने अपने हैंड को थोड़ा सा गीला कर लेना। अगर रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि रोज़ वाटर जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने इसकी रबिंग करना शुरू कर देनी है, 5 मिनट तक आपने रबिंग करनी है इसकी। जैसे आप 5 मिनट इसकी रबिंग कर लें, फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना, और वॉश करेंगे ना खुशी से झूम उठेंगे, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मैं आपको वॉश करके लाइव दिखाती हूँ, कहीं मत जाइएगा, रिजल्ट देख के जाना है। तो जी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड खूबसूरत हो चुकी है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि आप किसी डल कलर पे अप्लाई करके रिजल्ट दिखाया करें। तो जी यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी गर्ल नहीं है जिसका कि कलर डल हो, तो इसलिए मुझे खुद पर अप्लाई करना पड़ता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक होती है कि जो ऑलरेडी कलर फेयर होता है उस पर इतना रिजल्ट वाजिया नहीं होता, तो आप खुद पर एक बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो स्किन बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, बहुत खूबसूरत हो चुकी है, तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपने रेमडी बनाने का तरीका, यूज़ करने का तरीका सब कुछ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कैसा लगा रिजल्ट, है ना कमाल, कहा था ना कि रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी आपने इस रेमडी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, मेरे कहने पे ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने फिर एक प्यारा सा कमेंट करना है, और कमेंट करके फिर मुझे बताना है कि इसका रिजल्ट आप लोगों को कैसा मिला। तो जी मेरे कहने पे ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सो गाइस, वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।